नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। अपने साथी को पत्थर से प्राणघात, हमला कर एवं गला दबाकर हत्या करने वाला अमरजीत पंचौरी पिता फिरतराम पंचौरी उम्र 30 साल साकिन कुर्दा थाना मालखरौदा को पुलिस ने गिर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचना किरण जांगड़े पति खोसी लाल जांगड़े ग्राम कुर्दा दिनांक 23/6/2024 को थाना आकर गुम इंसान दर्ज कराई कि इसकी पति सोखी लाल जांगड़े दिनांक 22/6/2024 को गांव के अमरजीत पंचारे के साथ घर से मोटरसाइकिल से निकला है। घर वापस नहीं आया कि सूचना पर थाना मालखरौदा में गुम इंसान क्रमांक 40/2024 कायम कर हालत की जानकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया श्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री रमा पटेल एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शक्ति श्री मनीष कुंवर को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन में पुलिस टीम तैयार। तत्काल सघन जांच करते आरोपी अमरजीत पंजारे से पूछताछ पर बताया कि उनकी 3 शादी हुई थी, जिसकी एक पत्नी के साथ मृतक सोखीलाल के साथ बात करने की शंका पर मृतक सोखीलाल को ग्राम अचरित पाली भद्री तालाब के पास ले जाकर दिनांक 22/6/2024 को शाम को उसका सिर व छाती में पत्थर से वार कर गला को दबाकर उसकी हत्या करना, बाद उसके शव को वहीं सिमट कर बना फाल के अंदर में छुपाकर रखना बताने पर ग्राम अचित पाली में मृतक सोखीलाल पिता जेठूराम जांगड़े उम्र 32 साल साकिन कुर्दा थाना मालखरौदा को मृत हालत में बरामद कर मौके पर ही मर्ग एवं आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 214/2024 धारा 302-201 बदवी कायम कर आरोपी अमरजीत बंजारे पिता फिरत राम बंजारे उम्र 30 साल साकिन कुर्दा थाना मालखरौदा को दिनांक 23/6/2024 को 20 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश पटेल, उप निरीक्षक सीपी कंवर, सहायक उप निरीक्षक राधेश्याम राठौड़, हरिनारायण तमरकर, थाना जेजपुर प्रधान आरक्षक अश्वनी जायसवाल, आरक्षक सेतराम पटेल, नन्ही यादव, अजय खेरवार, शिव गोपाल रात्रे, महेंद्र कंवर, सहदेव यादव, नन्ही यादव, सत्येंद्र राठौड़ का विशेष योगदान रहा। पत्नी के ऊपर फावड़े से प्राणघात हमला करने वाले पति चंद्रशेखर भारद्वाज पिता साहिब लाल भारद्वाज उम्र 32 वर्ष साकिन चिखली थाना मालखरौदा जिला शक्ति छत्तीसगढ़ को पुलिस ने गिर कर भेजा न्यायिक रिमांड पर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अमर सिंह चौहान पिता स्वर्गीय अजीत राम चौहान उम्र 46 साल साकिन चिखली थाना मालखरौदा जिला शक्ति व थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 23/6/2024 को करीबन 14:30 बजे ग्राम चिखली के चैन सिंह भारद्वाज प्रार्थी के घर आकर बताया कि करीबन 14 बजे दोपहर में चंद्रशेखर भारद्वाज ने अपनी पत्नी संतराबाई को आरापा से मारकर हत्या कर दिया है। सूचना मिलने पर यह चंद्रशेखर के घर जाकर देखा, उसकी पत्नी संतराबाई भारद्वाज अपने घर अंदर के पलंग में चित मृत हालत में पड़ी थी, जिसके शरीर की गर्दन, मुंह, जबड़ा, बाएं हाथ की कलाई एवं बाएं भुजा में गंभीर चोट लगकर काफी खून निकला था। खून फर्श एवं दीवार में चिपका हुआ था। प्रार्थी के द्वारा पूछने पर साहिब लाल भारद्वाज ने बताया कि चंद्रशेखर भारद्वाज ने अपनी पत्नी संतराबाई को रापा से मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया की रिपोर्ट पर आरोपी चंद्रशेखर भारद्वाज के विरुद्ध अपराध क्रमांक 213/2024 धारा 302 बद्दी का अपराध कायम कर हालत की जानकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया श्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री रमा पटेल एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शक्ति श्री मनीष कुंवर को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन में पुलिस टीम तैयार कर विवेचना किया गया तथा आरोपी चंद्रशेखर भारद्वाज पिता साहिब लाल भारद्वाज उम्र 32 वर्ष साकिन चिखली थाना मालखरौदा जिला शक्ति को चंद घंटे में पुलिस टीम के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 23/6/2024 दोपहर करीबन 2 बजे अपनी पत्नी संतराबाई से पानी मांग रहा था, जो पानी नहीं देने पर गुस्से में आकर घर में रखे रापा से संतराबाई के ऊपर प्राणघात हमला कर हत्या करना बताया, जिसे आरोपी चंद्रशेखर भारद्वाज से फावड़े को जब्त कर आरोपी को दिनांक 23/6/2024 के 19:50 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश पटेल, उप निरीक्षक सीपी कंवर, सहायक उप निरीक्षक राधेश्याम राठौड़, हरनारायण तमराकर, थाना जेजपुर प्रधान आरक्षक योगेश्वर बंजारे, अश्वनी जायसवाल, आरक्षक सेतराम पटेल, नन्ही यादव, अजय खैरवार, शिव गोपाल रात्रे, सहदेव यादव, गोपाला बेहना का विशेष योगदान रहा। देखिए, कुर्दा निवासी किरण जांगड़े जो है अपने पति के गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मालखरौदा थाना उपस्थित हुई थी। उनकी सूचना पर हमने गुम इंसान कायम किया था और पता साजी में पता चला था कि वो लास्ट टाइम में
जो है अमरजीत बंजारे के साथ में गया था कहीं घूमने के लिए। तो अमरजीत बंजारे से जब पूछताछ की गई तो उसने इस बात का खुलासा किया कि उसके द्वारा जो गुम है सौखीलाल जांगड़े का, उसको पत्थर से मारकर हत्या कर दिया गया और उसकी लाश को जो है अचरित पाली के जो तालाब में छुपाया है। तो इस पर से हमने FSL की टीम को भी बुलाया था, वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्र किए गए थे और इस पर 302-201 कायम भी किया गया और संपूर्ण साक्ष्य संकलन पश्चात विधिवत गिरफ्तारी करके इसे माननीय न्यायालय अभी रिमांड प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए अभी ये विवेचना पर है और विवेचना पश्चात ही अभी अंतिम अभियोग पत्र तक ये विवेचना की जाएगी और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए चिखली थाना मालखरौदा क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम है जहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि चंद्रशेखर भारद्वाज अपनी पत्नी संतराबाई को जो है हत्याकारित किया है। इस पर से हम सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया और घटनास्थल निरीक्षण पर जो साक्ष्य संकलित किए गए थे उस पर इस बात की पुष्टि हुई कि चंद्रशेखर द्वारा गुस्से में आकर के आपसी कहासुनी के एवज में उसकी पत्नी को रापा से मारा गया था, जिससे उसके माथे में और सीने में गर्दन में चोट आई थी और हत्या का प्रकरण दर्ज करके इसे विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय अभी रिमांड प्रस्तुत किया जा रहा है। सर दोनों मामले में हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। देखिए दोनों मामले में हत्या का कारण स्पष्ट है। देखिए प्रथम मामले जहां पर जो कुर्दा का है मैटर, वहां पर यह था कि आरोपी की 3 शादियाँ हो चुकी है और 3 शादी में से जो एक के साथ वो शंका करता था कि मृतक उसके साथ छुप छुप के बात करता है, इस पर से उसने हत्या कारित किया है। और दूसरे मैटर में ये है कि खाना सब्जी मांगने को लेकर के पति पत्नी में विवाद था, जिसे आवेश में आकर के गुस्से में रापा से उसे वार किया है।